मतलब ये कितना है 275 ml का 6 बोतल 100 रुपए में 100 रुपए का 30 ml बना हुआ पैक ओके पीने का और लिमका डालो ओके और नींबू रहता ना ओके वो निचोड़े का ओके उस पे थोड़ा सॉल्ट और पी के देखो इसकी स्कॉच से मस्त बढ़िया लगता है ओके ये लोकल ब्रोकर लोकल डालो ना। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। ज़्यादातर लोगों का कमेंट था कि गोवा में अभी वाइन का लीकर का प्राइस क्या है उसके बारे में अपडेट दे दो करके। तो आज मैं एक वाइन स्टोर में आया हूँ। गोवा में अभी लीकर का प्राइस और लीकर आपको गोवा से अगर बाहर स्टेट में लेके जाना है तो वहाँ का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, तो पर पर्सन आप कितना क्वान्टिटी लीकर कैरी कर सकते हो, ये सारे डिटेल्स इंफॉर्मेशन ये वीडियो में रहेगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलो चलते हैं स्टोर में और इनसे जानते हैं। ये है राजेश भाई, ये स्टोर का ओनर है। ये स्टोर का नाम है टुकास वाइन, ये दोनापाल के नज़दीक है, दोनापाल से बहुत ही करीब है। अब अगर पेंजिम में है दोनापाल बीच आते हो तो बिल्कुल ये स्टोर विजिट कीजिएगा, हर तरीके का वाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इनसे जानेंगे इनके अभी के प्राइस के बारे में। वडाइजर कितने का है? 60 का पॉइंट है। कैन 100 का बड़े बोतल है। बड़े बोतल 100 रुपीस। ये 650 ml है। ओके ये कौन सा है? 50 का है। ओके 90 का बड़ा बोतल है। ओके ये कालको बड़ी बोतल है। ओके 95 का इसका बड़ी बोतल है। ओके 55 का इसका छोटी बोतल है, छोटा बोतल पॉइंट जो आता है। ओके ओके कैन जो आता है कालको का। ओके 75 का। ओके और ये स्ट्रॉन्ग एलिफेंट। ओके एलिफेंट का। ओके 90 का। ओके और ये ड्रॉट है 65 का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बियर का प्राइस यहाँ पे लगभग बड़ा होटल आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। 650 ml कितना 85 का। और ये 300 ml का 45। ओके ये 500 ml कैन है 65 का ये। अरे 95 स्ट्रॉन्ग है किंगफिशर का। ट्यूब ऑफ लाइट बियर है 0.45। ओके ये 65 का कैन है ट्यूब ऑफ का। ओके एक कोकोनट ड्रम है। कोकोनट ड्रम जो मालिबू है ना। ओके वो 3500 का है इम्पोर्टेड बॉटल। ओके ये जो है ना 3500 का है, ये इम्पोर्टेड है। ओके ये जो है लोकल ब्रांड गोवा का ऑलमोस्ट डिटो सेम टेस्ट है। ओके इसका दाम है 650। ओके उसका है 3500 न्यू स्टॉक इनके पास आ गया है। 600 न्यू MRP के साथ आ गया है। 100 रुपए का रियल है रेड एंड ब्लैक का। ये कितना 100 रुपए कितना ml का है? ये 180 है। 750 ml ओनली 100 रुपए में। छोटा क्वार्टर 30 रुपए का एक क्वार्टर आप देख सकते हैं। ये 270 का मैंगो है। 270 कितने एम एल का है? 750 ml। आईवी है। ओके आईवी इंपीरियल ब्लू 270 का है। 270 का है। अभी हाल ही में रेट बढ़ गया, पहले 230 का, लॉकडाउन के बाद अभी सबका रेट बढ़ गया। ओके में आपके पास रॉयल स्टैग कितने का है? 300 का है। 300 का है। पहले क्या था रेट? पहले था 260 था। सिग्नेचर है इनके पास। ओल्ड स्टॉक है 500 में। ओके इसका रेट हुआ 600 रुपए हुआ है। ओके मग का भी है छोटा पैक। ओके ये कितने का है? 25 रुपीज ओनली। ओके कितना इसका ml है? 90 ml का आपको 25 ओल्ड मग मिल जाए। 750 ml का ओनली 200 रुपीज में आपको प्लास्टिक भी आता है किसी को कैरी करने के लिए। ओके प्लास्टिक फूटे नहीं। ओके आप अगर लेके जाने के लिए आप अगर ट्रैवल करते हो लेके जाने के लिए ये प्लास्टिक बोतल भी आता है आपको लगेज में लेके जाने के लिए अच्छा पड़ेगा। ये बोतल आपको टूटेगा नहीं, ये फुल प्लास्टिक है, एक ग्लास का बोतल है। रेट सेम है, सेम रेट है 750 ml 200 का। ये ग्लास का भी बोतल आप जो आपको मर्जी है आप लेके जा सकते हैं। और उसमें एक कैप्टन मॉर्गन भी है। ओके ये भी डार्क रमी है।
ओके डार्क रम 210 का है, 210 का कैप्टन मॉर्गन आप देख सकते हैं कितने का है। 2050 टैंकर का है। ओके 47 है, 3400 ओके आपोसा है, 4000 ओके सॉरी 2000 आपोसा है ओके। अभी जिन क्यों अभी कोरोना टाइम में सब जिन पी रहे हैं, जिन क्या होता है बॉडी को हीट देता है। ओके अभी जिन बहुत वैरायटी है जिन में, तो ये अभी ज्यादा सेल हो रहा है, जिन बहुत सेल हो रहा है। ओके ओके इसकी स्पॉट पर जिन बहुत सेल हो रहा है। ओके ओके ये क्या है विस्की रम क्या है? जिन ही है, जिन ही है, इसका भी रेट है 2640। ओके और ये सब स्कॉच में सब सिंगल मॉडल। ओके ये अप्रैल है 4060, ये सब इम्पोर्टेड है। ओके इसका दाम है 4650। ओके कितना एमएल का है? सेम 750 एमएल। ओके ओके और अच्छा मुश्किल होगा, ये भी स्कॉच है। ओके 3500 का है, 3500। ओके ये अगर बाहर देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट का डबल रेट है, 6500 ही रहेगा। जिनका भी जिन बहुत कपड़ा से जिनका बहुत बड़ा ब्रांड है, मेरे इंडियन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, ये भी सेम है 750 एमएल है, इसका दाम है 3500। ओके इसका रेट है 4150 750 ml only 100 rupees में। एक गोवा का लोकल बनता है, इसमें स्टार्टिंग है वाइन में। ओके बाद में आपको मिलेगा ये अपना को 300 rupees only 300 rupees फिल्टर है वहाँ, मतलब यहाँ पे बनते सस्ता है। ओके 300 rupees 300 rupees लेकिन स्वीट रहता है, ड्राई नहीं रहता है। ओके तो पीने मजा भी आएगा। ओके ओके बाद में आपको ये आएगा रेड वाइन में, एक जो दिखा है मैंने पोर्ट वाइन है, पोर्ट वाइन ये रेड वाइन। ओके इसमें आपको स्टार्टिंग रेट में 300 रेट रहा अमोरा, ये कितने का है? 300 750 रेड वाइन है, रेड वाइन पोर्ट वाइन, दोनों में बहुत फर्क है। ओके ओके इसके बाद में मदिरा है 400 का। ओके ये 750 ml मदिरा 400 रुपये रेड वाइन है, रेड वाइन। बाद में इसके ऊपर आता है बिग बनियन है, बिग बनियन ये व्हाइट वाइन है, इसका रेट 700 है और रेड भी है, इसका रेट भी 700 ही है, 700 बिग बनियन। ओके सुबह 16 मिलेगा आपको, 16 का रेट है 900 रुपया 750। हाँ ये जो सब इंडियन ही है 16 वगैरह, बाद में आपको इम्पोर्ट में आता है। ओके जैकब्स क्रिक देखो, ओके ये इसका 1100 का बॉटल है, 1100 का बॉटल जेको और एलो टेल है हमारे पास। ओके इसका रेट है 1350। ये सब इम्पोर्टेड में जो महंगा आता है क्योंकि एज रहता है ना। ओके ओके इसलिए महंगा रहता है, महंगा रहता है। तो लोकल जो वाइन है वो आपको 100 से स्टार्ट होकर मिल जाएगा सस्ते में, जो इम्पोर्टेड है वो थोड़ा महंगा आएगा। फिलहाल नया भी वाइन लॉन्च हुआ है, एक पहले फ्रूट में नहीं आ रहा, अभी फ्रूट में भी आ रहा है वाइन, एक फ्रूट फ्लेवर है, पीच फ्लेवर का वाइन है, पीच फ्लेवर है। ओके ये कितना? 750 एमएल 500 रुपये। ओके ये नया फ्लेवर आया पीच है, अल्फांसो है, अल्फांसो है, ये फ्रूट फ्लेवर में आता है, नया लॉन्च हुआ है। ओके स्ट्रॉबेरी केप है, नहीं लड़की लोग जो पीते है ना उनके लिए अच्छा है। ओके 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 महंगा शैंपेन है हमारे पास। ओके इसका दाम है 20,000 इसका है शिवास 21 ओके बोलते हो। ओके इसका दाम है 13,000 का, ये 13,000 का भी इनके पास कलेक्शन है। ये जो दारू आप देख सकते हैं गाइस आपको हमें हैंडमेड है, ये हैंडमेड इसका जो है ना विस्की है ना, स्कॉच है, हाँ स्कॉच है ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर इनका जो बॉटल है, आप इसको लेके अपने होम बार में भी इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, इनके पास सारे कलेक्शन है। ये 930 का बॉटल है। ओके ये स्कॉच का है। ओके 750 ml। ओके उसके बाद आता है हमारा ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट ओके कितने का है? 1400 का, कितने ml? 12 साल का कितना 1900 जैसे कि मैंने बताया, जितना ओल्ड स्टॉक है इतना इसका थोड़ा प्राइस में डिफरेंस आएगा। टीचर्स कितने का है? टीचर्स है 1875। उसके बाद आता है
इसका दाम है 2070। अभी हाल ही में अभी दिसंबर है ना, दो ग्लास फ्री है, भी है। इसमें आपको डिस्काउंट भी है, दो ग्लास साथ में आता है। कितना सुंदर सा ग्लास है, आप देख सकते हो। ये 2075 इसका MRP है, 750 ml, राइट। ये टीचर्स का एक ग्लास है, कितना सुंदर सा ग्लास आप देख सकते हैं। इसके साथ नेक लेवल का क्या प्राइस है? 3300। कितना एम एल का है वो? 750 ml 3300 ब्लैक लेवल। रेड लेवल 1900 का है, रेड लेवल 1900 750 ml। इसके बाद हमारे पास उसी का एक्सल जॉनी का एक्सल है, उसका दाम है 13000। ओके, ये देखिए बॉटल, ये 13000 का। हाँ, जॉनी वॉकर्स का है, ये 13000 का है, राइट। कितना एम एल का है ये? 750 ml का। ओके, 1850 का है। ओके, ये पुराना स्टॉक है, पुराना स्टॉक है। तो अभी 2000 रेट हुआ है इसका। फ्लेवर भी है। ओके, सिट्रोन है, मैंडरिन है, लाइम है। ओके, तीनों फ्लेवर इसमें, और रसबेरी भी है। ओके, तो तीनों फ्लेवर मिलेगा आपको। ओके, इसके बाद अगर आपको और पकड़ी चाहिए, अगर इम्पोर्टेड चाहिए, स्काई और का भी है। ओके, इसका दाम है 1600 स्काई ओड का। हाँ, ओके। उसके बाद आपको मिलेगा ग्रेगुल्स, इसका दाम है 3250। कितना एम एल है? 750 ml। ओके, और बेलो का भी है, बेलो का आपको मिलेगा 4200 750 ml। ओके, ओके। और सिरप भी है, अभी बहुत खप रहा है हमारा। okay. अभी आया ना राम गोपाल वर्मा, वही खत्म कर रहा है, एक पेटी उसने खत्म किया अभी। ओके, ओके, जो गोवा में अभी जो शूटिंग चल रहा है वहाँ से यहाँ पे लेके जा रहे हैं। ओके, 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 ओके। जेडी भी हमारे पास है, जैक डैनियल भी है इनके पास। ओके, कितना एम एल का बॉटल है वो? 750 ml। कितने का? 3100 का। ओके, ओके। पहले इसका रेट था 670 स्टार्टिंग रेट था, अभी यही सस्ते में टकीला था 670। अभी इसका रेट हुआ 975। 300 रुपया इसे टकीला में बढ़ गया। स्टार्टिंग मॉडल यही था 600 का, 1800 तक तो रहेगा। फ्लेवर भी है। ओके, ब्लू माई डाटा। ओके, इसका रेट थोड़ा कम है, ये भी ओल्ड स्टॉक। देखो, मैं बोल रहा था आपको ओल्ड स्टॉक बोल के, देखो 675 का हमारे। देखो, और अभी का न्यू स्टॉक क्या है? 975 अभी है। ओके, ये अभी नया MRP के साथ आया है 975, आप अगर देख सकते हो 750 ml, सेम, राइट। ये स्टार्टिंग टकीला है। ओके, टकीला है ये आता है इलावर्सिटी। ओके, ये 1550 का है, 1550 के साथ आपको दो शॉर्ट ग्लास मिलता है। ओके, 1550 का ये टकीला है, विला वर्सेलिस का कुछ ब्रांड है, उसके साथ आपको टकीला ग्लास भी दो मिलता है फ्री में। वैसे आपको ये 1500 का ग्लास मिलता है, आपको ये 1200 पड़ गया सर। ओके, शॉर्ट ग्लास है। ओके, जो मैंने आपको दिखाया वो इंडियन था, ये इंपोर्टेड है। इसका दाम है 2075। कौन सा ब्रांड है ये? एल चारो। ओके, इसमें दो आता है, गोल्ड आता है। ओके, सिल्वर गोल्ड हमारे पास खत्म हुआ अभी, गोल्ड नहीं है, सिल्वर है, सिल्वर टकीला है। ये 750 ml का कितना प्राइस है इसका? 2075। और इसमें भी आपको टकीला ग्लास है और शॉर्ट्स फ्री मिलता है, दो ग्लास। ओके, ये टकीला का बोतल 750 ml, राइट। ओके, 7500। ये सब शैंपेन्स है। शैंपेन्स है, ओके। क्या प्राइस है इनका? स्टार्टिंग शैंपेन है। ओके, इसका 900 रुपये MRP है। ओके, 900 रुपये का है। उसके बाद सुल्ला ब्रूथ का है, 1100 का है। 1100 कितना है मैम? 750 ml। उसके बाद में शानदोन है, 1560 का है। ये सब शैंपेन है, ये सब ये मोहित का, इसका है 15000। ये 1.5 लीटर का है। ओके, 1.5 लीटर का है। हाँ, वो भी सब शैंपेन है, ये फ्रूट शैंपेन है। वही क्या होता है, एक बार आपने पॉप किया ना, उसी वक्त आपको खत्म करना पड़ा, क्योंकि वो पॉप जो है आपको उसको डालना नहीं पड़ता है ना। ओके, ओके, ओपन करने के बाद झट से खत्म करने का। ओके, ओके, एक बार रख के बाद उसका फीस खत्म हो जाता है, उसको टेस्ट नहीं रहता। ओके, और यहाँ पे कोई डिस्प्ले है ये सब? जो रोको हम रेगुलर फास्ट सेलिंग रहता है, सामने उठाई करके देख देते हैं। छोटा पैक तो छोटा। ओके, जिम बीम भी है, जिम बीम विस्की है, जिम बीम बबन इसकी है। ओके, तो बड़ा बटन भी है, बाद में सब रेड लेवल
200 मिले कल, रेड लेवल 200 मिले कितने का है? 520 520 का, 520 का। ब्लैक डॉग क्या है इसका? इसका रेट का है 305 है। ओके, वेट का है 250। वेट का 250। ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट का ये तो 340। लेकिन हाल ही में नया ही लॉन्च हुआ है, पहले ग्लास में आता, पॉकेट है हिप से। ओके, अगर आपके पास इसकी खत्म भी हो ना, इसमें आप रेडी मेड करके भी अपना जो फ्लास्क रहता है ना, कैरी कर सकते हो। ओके, वाले स्टार्टिंग में ये फेन है 100 rupees। कितना एम एल का है वो? 750 एम एल का, 100 rupees का। 300 rupees का, 300 rupees का। ओके ओके, काजू फेनी है, काजू फेनी। ओके, ये फेनी के बारे में आप हमको कुछ बता सकते हैं, किस चीज से कैसे बनता है? काजू से बनता है फेनी, काजू से इसको। ओके, जो काजू से मसल के उसके बाद एक जूस बनता है। ओके, जूस के बाद में इसको सड़ा के फेनी एक्चुअली क्या है, हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आपको खांसी सर्दी भी हुआ, दो शॉट नीट मानेगा इसका। ओके, तो जब खांसी जो है था ना, कुछ को जाते अगर पाए तो क्या करने का, 30 ml बना हुआ पैक फेनी का और लिमका डालो। ओके, और नींबू रहता ना वो निचोड़े का। ओके, उसपे थोड़ा सॉल्ट और पी के देखो, इसकी स्कॉच से मस्त बढ़िया रहता है। ओके, लोकल पागल लोकल डालो ना। ओके, आप एक बार ट्राई कर देखो, मस्त बढ़िया है फेनी। इसके लोग पागल ना फेनी फेनी बोलते हैं, गोवा में फेनी फेमस है। अभी इनसे जानेंगे हम, अगर आप अगर इनके स्टोर में आते हो कभी वाइन या दारू लेने के लिए, तो वो आपको क्या ऑफर दे सकते हैं, उनके पास क्या स्कीम रहता है, कितना डिस्काउंट आपको मिलेगा, ये हम रजत भाई से जानेंगे। तो आप क्या ऑफर दे सकते हैं, आपके पास अगर कोई टूरिस्ट आता है परचेस करने के लिए, क्या ऑफर है, क्या डिस्काउंट देता है? सब ऑफर ऑफर है, हम लोग 100 पे 6 देते हैं। मतलब ये कितना है? 275 ml का 6 bottle 100 rupees, 100 rupees MRP 85। MRP 85 का एक बोतल का MRP 85 है, ये आपको 6 bottle मिलेगा सिर्फ 100 rupees में। ये अभी इनके पास ऑफर चल रहा है। फिलहाल बाबा, टूरिस्ट के मन में एक बात हमेशा रहता है कि ये अगर गोवा से वो अलग स्टेट में लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन और परमिट कहाँ से लेना पड़ेगा? आपको हर जगह परमिट नहीं मिलता है। ओके, लिमिटेड स्टॉक में आपको परमिट मिलता है। ओके, एक परमिट रहता है सारा परमिट। ओके, फिर परमिट के आते एक आदमी को 2 बार अलाउड रहता है। ओके, हम लोग लिख के भी देते हैं यहाँ पर ध्यान रहते हैं। आप अगर आउट ऑफ स्टेट लेके जा रहे हो गोवा से, अगर बाहर आपको लिकर लेके जाना है, तो इनके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि आप अगर फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो 5 liter का आपको परमिशन है, आपको लगेज बैग में डालना पड़ेगा, हैंड बैग में अलाउड नहीं है। और अगर ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो आपको 2 liter का परमिशन मिलता है, आप लेके जा सकते हो 2 liter तक का। और बाय रोड 2 बार अलाउड है, 2 bottle अलाउड है आपको। उसके लिए आपको यहाँ पे परमिट मिल जाएगा, परमिट का चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करना रहेगा, देना पड़ता है क्योंकि गवर्नमेंट का होता है ना, वो गवर्नमेंट चार्जेस रहता है, आपको 20 rupees परमिट चार्जेस यहाँ पे करना रहेगा। और एक चीज़ मैंने बताया था, जो दारू है आप गोवा में अगर लेके जाने के लिए परचेस करते हैं तो कहाँ से बाय करना चाहिए? अब ये अगर आप गोवा में है, आप अगर कंज्यूम करते पीते हैं, तो आप कहीं पर भी पी सकते हैं, बार एंड रेस्टोरेंट में पी सकते हैं या बीच साइड साइड में पी सकते हैं। पर आप अगर लेके जाने के लिए आप परचेस करेंगे तो आप बल्क में परचेस करोगे, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मार्केट एरिया या फिर सिटी एरिया से परचेस करें, ताकि ना कि आप बीच एरिया में 5-5 liter तो हमारे के ऊपर रहता है, प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा ऐसे स्टोर में आप परचेस करें, और ये बेस्ट स्टोर है टुकास वाइन जो दोनापाल बीच के नज़दीक है। हमारे दो आउटलेट है, एक पेंजिम में भी है इनका स्टोर, और दोनापाल बीच में भी है। तो इनका स्टोर में आप विजिट कर सकते हैं। इनका स्टोर का जो एड्रेस है, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में इनका मोबाइल नंबर के साथ डाल दूंगा, वहाँ से आप इनके एड्रेस लेके इनका स्टोर विजिट कर सकते हैं। इनके पास हर तरीके का दारू, वाइन, विस्की, रम, हर ब्रांड का दारू यहाँ पे अवेलेबल है। कम से कम रेट 100 rupees से स्टार्ट होके आपको 20,000-30,000 तक का, 50,000 तक का दारू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और बियर तो यहाँ पे 40 rupees से स्टार्ट होता है, 40 rupees से स्टार्ट होके 100 rupees तक मैक्सिमम बियर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये था सारा इन्फॉर्मेशन अबाउट गोवा में अभी लॉकडाउन के बाद क्या दारू का प्राइस है। आई होप गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और
साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरा आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप खुश रहें। बाय बाय।